साबिक ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज और मारूफ क्रिकेट कमेंटेटर डीन जोंस दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक डीन जोंस इस वक्त कमेंट्री के सिलसिले में भारत में मौजूद थे और कोरोना के बायस मुंबई के एक 7-स्टार होटल में बायोसिक्योर माहौल में वक्त गुजार रहे थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साबिक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर को दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। उनसठ साल डीन जोंस ने ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 52 टेस्ट और 164 वनडे खेले। टेस्ट क्रिकेट में उनका सबसे ज्यादा स्कोर 216 रन था। जबकि एक रोजा मैचों में उन्होंने 11 सेंचुरियां और 46 50 स्कोर की। डीन जोंस पीएसएल की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच और मेंटोर थे। वो मुख्तलिफ ममालिक की लीग्स में कमेंट्री भी कर चुके थे। जनवरी 1984 में पाकिस्तान के खिलाफ एक रोजा मैचों में डेब्यू करने वाले डीन जोंस ने 6 अप्रैल 1994 में अपना आखिरी मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेला। और उन्हें सर डॉन ब्रैडमैन की टीम का अहम खिलाड़ी तसव्वुर किया जाता था।